उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच ये मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली और इस दौरान दोनों के बीच कहा जा रहा है कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। सीएम योगी के दो दिवसीय दिल्ली दौरे से सियासी हलचल बहुत तेज हो चुकी है और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना और पीएम मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जहां एक ओर यह कहा जा रहा है कि यूपी कैबिनेट में विस्तार को लेकर यह मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महामंथन करना शुरू कर दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ। आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचने से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद एक बार फिर से राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें बहुत तेज हो चुकी हैं। इन अटकलों को तब और बल मिला जब सूत्रों ने दावा किया कि जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी मिल चुके। प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री से हुई अपनी मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करा दिया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और विधान परिषद के सदस्य एके शर्मा भी दिल्ली में हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के कुछ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। शर्मा जी को प्रधानमंत्री का करीबी समझा जाता है। मुलाकातों के इस दौर के बारे में बीजेपी नेताओं या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि ये कवायद जितिन प्रसाद और एके शर्मा समेत कुछ अन्य नेताओं को यूपी सरकार में शामिल किए जाने को लेकर किया जा रहा है। अब जितिन प्रसाद राज्य के जाने माने ब्राह्मण परिवार से, तो एके शर्मा भूमिहार बिरादरी से संबंध रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ का दौरा किया और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की गई थी। इन दोनों नेताओं ने इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और अमित शाह से मुलाकात के बाद योगी जी ने ट्वीट कर कहा था कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब इसके लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए गृह मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद दिया उन्होंने। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर की थी, ये वाली, जिसमें अमित शाह को प्रवासी संकट का समाधान रिपोर्ट की एक प्रति सौंपते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन डेढ़ घंटे तक ये मीटिंग चली। शाह से मुलाकात के दौरान आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर समेत अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चाएं की होंगी की थी। जब अमित शाह और आदित्यनाथ की मुलाकात चल रही थी, उसी समय अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शाह के आवास पर पहुंच गई। अमित शाह ने ट्वीट कर आदित्यनाथ और पटेल से मुलाकात की जानकारी दी, कई तस्वीरें साझा की। यूपी के ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद ने भी अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह की पटेल और निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को साधने बीजेपी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब योगी जी तो दिल्ली में हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल देखने को मिल रहा है, वैसे योगी जी के दिल्ली में आने से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने में कहीं ना कहीं अब लोगों की जो सोच है वो और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। लोग अब सियासी अटकलों के बीच में हैं कि योगी जी पता नहीं दिल्ली क्या करने के लिए गए। खैर, अभी आधिकारिक रूप से कोई भी बयान इस पर नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। आप बने रहिए लोकल वोकल न्यूज़ के साथ, हम आपको यहाँ पर पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। शुक्रिया।